आज के दौर में संयुक्त परिवार की संकल्पना लगभग खत्म होते जा रही है और इसी वजह से कई बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। यह नौबत ना आए इसलिए छात्रों को अभी से अपने बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य निभाने हैं इसकी जानकारी एक स्कूल प्रशासन द्वारा दी गई। क्या नाम है स्कूल का, जानते हैं इस खबर में। आजकल ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा और वो भी उच्च शिक्षा देकर उन्हें विज्ञान के संबंध में जानकारी देते हैं और उनके बच्चे दिन ब दिन आज के इस आधुनिक युग में तरक्की करते जाते हैं। वहीं ऐसा भी पाया गया है, आज पूरे देश में अनेक स्थानों पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बुजुर्ग माता पिता को अक्सर उनके बच्चे उस हाल में पहुँचा देते हैं। कुछ इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अंचल के एक स्कूल ने एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य किया है। वह ब्रह्मपुरी तहसील की पिंपल गांव भोसले की महाराष्ट्र विद्यालय, जिन्होंने विद्यार्थियों के अंदर मौजूद गुणों को विकसित करने के साथ सर्वांगीण विकास तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण हो इसके लिए भी उन्होंने पहल की। साथ ही वृद्ध होने पर वो अपने दादा दादी के आधार बने और कोई भी वृद्ध आश्रम में अगर उन्हें डालने का प्रयास करें तो उसके विरोध में आवाज़ उठाएं, ऐसा इन छात्रों से आह्वान किया और इस संबंध में एक अपूर्व विज्ञान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग दादा दादी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मुख्याध्यापक ओम प्रकाश भगमारे, वहीं प्रमुख अतिथि के रूप में स्कूल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जितेंद्र कुथे, उपसरपंच जगदीश बनकर, पूर्व उपसरपंच हेमराज कांबड़ी के साथ बड़ी संख्या में गाँववासी मौजूद थे। सी टी वी के लिए मधुकर मिश्राम की रिपोर्ट।